देखिए लोग कहाँ अभी भी बैठे हुए हैं। ये है इस रूट में ट्रेनों की कंडीशन, देखिए लोग कहाँ बैठे हुए अभी भी। तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें, रेलवे डिपार्टमेंट लोग जान जोखिम में डाल करके देखिए किस तरीके से बैठे हुए हैं, रेलवे का ख्याल रखना चाहिए इस चीज़ों को। हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाई टी एस में मैं टिपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूँ। काफ़ी दिनों के बाद मैं आया हूँ नया वाला तनिया हुआ रेलवे रूट का अपडेट देने के लिए। तो ये है जट डुमरी जंक्शन, जिसका कि रूपरेखा आप देख सकते हैं एकदम बदल चुका है। और सामने ये जो एक लकी टाइप दिख रहा है, ये ब्रिज या फ्लाईओवर, ये पटना रिंग रोड का भाग है प्लस से बीटा सरमेरा का ये भाग है। और सामने ये जिसपे गाड़ियाँ चलती हुई दिख रही है, ये पटना गया डोभी फोर लेन है जो कि पूरी तरीके से कंस्ट्रक्ट हो चुका है, सिर्फ बीच में एक ब्रिज है जहाँ पर वर्क बाकी है। तो गर्मी में आज शानदार हवा चल रहा है और इस तरफ यहाँ से 15 किलोमीटर दूर पटना जंक्शन है। और नेवरा दनियावा रेलवे लाइन की बात करूँ तो यहाँ से यानी जट डुमरी स्टेशन से लेकर के और बिहार शरीफ तक एक ट्रेन चलने वाली है जो कि जून या जुलाई में चलेगी। और ये जहाँ पर चापाकल हुआ करता था, यही पहले यहाँ पर फाटक हुआ करता था, लोग इस तरफ से उस तरफ जाते थे, यहाँ बहुत कुछ बदलाव हो चुका है। तो FOB का काम हुआ है, अक्सर मैं जानता था कि यहाँ 3 ही प्लेटफॉर्म है लेकिन 4 प्लेटफॉर्मों का कंस्ट्रक्शन है। हालांकि ये जो लास्ट वाला जो देख रहे हैं आप, तो ऐसा कहा गया था कि ये गुड्स ट्रेन के लिए, लेकिन FOB का जो काम चल रहा है तो उससे पता चलता है कि ये प्लेटफॉर्म ही रहेगा। वैसे भी जब ये हाइट होगा तो प्लेटफॉर्म के रूप में ही आ जाएगा। इस स्टेशन की बात करूँ तो एक भी वायर, फालतू वायर आपको बाहर नहीं दिखेगा, सारा वायर स्टेशन का जो भी है वो सब अंडरग्राउंड है, देख सकते हैं आप। और ये स्टेशन की पुरानी वीडियो आप देखिएगा तो ये सब कुछ नहीं था, मतलब यहाँ पर घास फूस और ठीक से प्लेटफॉर्म भी नहीं था, क्योंकि मैं इसका 2 साल प्लस से अपडेट कर रहा हूँ। वैसे नेवरा दनियावा रेलवे रूट की बात करूँ तो टोटल लगभग 42 किलोमीटर है, जिसमें से यानी मैं जहाँ खड़ा हूँ जट डुमरी से लेकर के और दनियावा तक लगभग 23 किलोमीटर का सेक्शन पूरी तरीके से कम्प्लीट है इलेक्ट्रिफिकेशन का काम छोड़ करके। तो इस पर जो गाड़ी चलेगी वो डीजल गाड़ी चलेगी, मतलब डेमू करके है तो वो चलेगी इन फ्यूचर, जो कि बिहार शरीफ तक जाएगी। ये प्रेजेंट में यानी पटना डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करेगी, बनने के बाद पटना डिस्ट्रिक्ट हो गया, नालंदा डिस्ट्रिक्ट हो गया और लखीसराय से पूरा 4 डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करेगी। लेकिन प्रेजेंट में जो है ये जट डुमरी से लेकर के और बिहार शरीफ तक चलेगी, यानी नालंदा, पटना और नालंदा डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करेगी, यानी 80 किलोमीटर के लिए ट्रेन चलेगी प्रेजेंट में, या उससे कम हो सकती है क्योंकि है तो टोटल लगभग 82 किलोमीटर नेवरा से लेकर के और बिहार शरीफ तक जो रूट है, लेकिन 38 किलोमीटर का सेक्शन दनियावा से लेकर के और आपका जो है कि बिहार शरीफ तक वो पूरी तरीके से कंस्ट्रक्ट है, उस पर गाड़ियाँ चलती भी है। फतुहा से लेकर के और ये चंडी होते हुए एक गाड़ी चलती है और जो दूसरी गाड़ी जो चलने वाली है वो जट डुमरी से लेकर के, मतलब 23 किलोमीटर का और सेक्शन जुड़ जाएगा तो वो आगे बढ़ेगी। और बाकी 18 किलोमीटर का सेक्शन, मतलब ये ऐसे गाड़ी कर्व होगी। तो अभी 2 साल का काम अप्रोक्स बाकी है जो कि नेवरा साइड जाती है। और सामने ये लुक है, पूरी तरीके से जट डुमरी स्टेशन का सेट भी लगाया जा चुका है, FOB का भी काम चल रहा है और प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 पे भी सेट लगाने का काम चल रहा है। जैसे कुछ बदलाव होता रहेगा मैं कंटिन्यू अपडेट आप लोगों के बीच लाता रहूँगा, देता रहूँगा। तो वैसे मैं बता दूँ आप लोगों को कि टोटल 42 किलोमीटर का जो सेक्शन है उसमें लगभग अगर बात करूँ तो 1200 करोड़ रुपये की लागत से बना है, जिसे कि 2 कंपनी बना रही है, एक MGCPL और एक रामकृपाल कंस्ट्रक्शन। तो रामकृपाल कंस्ट्रक्शन का जो वर्क था वो नेवरा से लेकर के और जट डुमरी तक था, वो 18.6 किलोमीटर, और MGCPL का जो वर्क है, मतलब इस साइड जट डुमरी से लेकर के और दनियावा तक, तो वो अप्रोक्स 23 किलोमीटर का सेक्शन है जो कि MGCPL कर रही थी। तो वो पूरी तरीके से कंस्ट्रक्ट है, ये आज से 4 महीना पहले मैं इसका अपडेट दिया था, ट्रायल भी हो चुका है 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो मेन वर्क यहाँ पे FOB का था, तो FOB का भी वर्क देख सकते हैं आप, शायद ये 1 महीने में पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। एक स्टेशन ऐसा स्टेशन था जहाँ पर मतलब न ठीक से खाने की सुविधा, पीने की सुविधा, न रहने की सुविधा, कोई तरह का कोई चीज़ नहीं था, लेकिन आज इस स्टेशन की इतनी अच्छी तकदीर हो चुकी है कि एक FOB, बढ़िया प्लेटफॉर्म, पूरी पब्लिक जो है वो इसी साइड बसती है और एक खूबसूरत स्टेशन, हवादार, शानदार, आप आराम से यहाँ आकर के रह भी सकते हैं। आप मतलब अगर 10-12 गाड़ियाँ का स्टॉपेज है तो आराम से किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक से पहले टिकट काउंटर भी नहीं हुआ करता था, टिकट जो है कि मसौरी से या पटना से आती थी। तो यही इसका कुछ बैकग्राउंड था, लेकिन आप देखिए इसकी तकदीर बदल चुकी है। सीधे इस तरफ 75 किलोमीटर दूर गया है मेन, गया पटना ये मेन रेलवे लाइन है जो कि इस रूट में लगभग 30 ट्रेनें चलती हैं, जिसमें एक वंदे भारत है और एक जनशताब्दी स्पेशल है। तो ये 2 ट्रेनें हैं, बाकी जो है प्लेटफॉर्म नंबर 4 का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। देखिए जो मैं 4 बता रहा हूँ ये कंफर्म नहीं है कि ये 4 है, हालांकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो हो सकता है इसे 4 में तब्दील किया जाए, लेकिन कहा गया कि गुड्स ट्रेन के लिए है
तो जो मेन वर्क जो बचा हुआ है इस रूट में ट्रेनों को क्रॉस कराने के लिए चलाने के लिए, वो आगे का एक ब्रिज आपको दिख रहा होगा, तो एक स्टील का ब्रिज दिख रहा होगा। बाकी आम पब्लिक के लिए टॉयलेट का इंतजाम किया गया है, देखिए सारी स्टेशनों पे, सारी प्लेटफार्मों पे, और सेट का भी इंतजाम किया गया है। टिकट काउंटर जो है वो येलो वाला वही है, तो एक खूबसूरत। वैसे मैं स्टेशन का डिटेल आपको दे दूँ तो सीधे जो है कि मसौढ़ी बड़ा स्टेशन, मसौढ़ी फिर तरेगना मेन नाम है, फिर जहानाबाद और गया डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन जो कर्व होते हुए ऐसे आप चले जाइएगा जब, तो ये पहला जो स्टेशन इस साइड से 23 किलोमीटर में वो जटडुमरी है, उसके बाद फिर मराची है, बिरजू भीगा है, उसके बाद जो बड़ा स्टेशन है वो फजलचक है। वो इसी तरीके से तीन प्लेटफार्मों वाला स्टेशन है, लेकिन सॉरी दो प्लेटफार्मों वाला स्टेशन है, तीन ट्रैक है। और फिर उसके बाद जो छोटा स्टेशन आएगा गोवासपुर है, फिर तोप सरतुआ भी बड़ा स्टेशन है, फिर लास्ट में जो है कि वो दनियावा है। दनियावा जंक्शन ऑलरेडी पहले से है, वो कंस्ट्रक्ट है। ये जो है कि पटना गया जो मेन रेलवे लाइन है उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हुआ है, और सामने आप देखिए वो चमकता हुआ ब्रिज, तो वही उसी ब्रिज की वजह से काम, ट्रेनें रुकी हुई थी क्योंकि वो ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। वो पटना गया डोभी फोर लेन का ब्रिज है, तो वो जैसे उसका पूरा काम कंप्लीट होगा तो फिर इस रूट से गाड़ियां गुजरने लगेंगी। जून जुलाई का टाइम दिया गया है, लेकिन एक महीना आगे पीछे हो सकती है, ये कन्फर्म डेट नहीं है। जब जिस दिन ट्रेन चलेगी तो वो कन्फर्म होगा। और बाकी जो डुमरी स्टेशन देख सकते हैं आप कि अच्छे से पहले दो प्लेटफॉर्म हुआ करता था, अब तीन प्लेटफॉर्म आपको दिख रहा है, चौथा का काम चल रहा है, और लाइटिंग की व्यवस्था आप देख सकते हैं, तो जो कि बड़ा ही शानदार हो चुका है। चलिए मैं बाहर का कुछ सेक्शन दिखाता हूँ, सामने फिर से दिखा दूँ जो रोड है जिस पे गाड़ियाँ चल रही हैं दूर वाला, तो वो पटना गया डोभी फोर लेन है, वो लगभग 127 किलोमीटर लंबा है। और सामने इस तरफ जो ट्रक चल रही है वो 137 किलोमीटर पटना रिंग रोड का भाग है, जो कि 39 किलोमीटर का सेक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट है। 700 करोड़ या 800 करोड़ की लागत से बना था वो, और उसे JSP और वड़ा ने कंस्ट्रक्ट किया था, और अभी भी उसमें बहुत सारा काम बाकी है। कुछ ज़मीनें, कुछ रूट ऐसा है जिसपे अभी लैंड एक्विजिशन का भी काम नहीं हुआ है। प्लेटफॉर्म नंबर एक देख रहे हैं, तो ये सब अभी एरिया डेवलप करना बाकी है। FOB है, कहीं पर रैंप है, कहीं पर कुछ है, तो ये रैंप वाला भाग है, स्टेयर उस तरफ है, तो सीढ़ियों को इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो कोई भी स्टेशन को लेकर। बाकी आप FOB का देख सकते हैं किस तरीके से फ्यूचर को देखते हुए और बड़ा बनाया जा रहा है, छोटा मोटा पहले की तरह नहीं है कि बस क्रॉस करना हो। और सामने जटडुमरी स्टेशन का मेन गेटअप, और ये इसका बाहर का लुक जहाँ पर टिकट काउंटर वगैरह है, देख सकते हैं आप। तो अभी प्रेजेंट में कुछ ऐसा है, टिकट काउंटर देखिए आप इस तरीके से, और बाहर का कुछ लुक ऐसा है जो कि बड़ा ही शानदार है। ढलैया हुआ वहाँ कि ना ही बारिश के दिनों में आपको प्रॉब्लम होगी, और ना ही आम दिनों में आपको प्रॉब्लम होगी, ना ही ठंड में आपको प्रॉब्लम होगी, ना ही जैसे गर्मी में एकदम हवादार है। तो इस तरीके से अभी भी बहुत कुछ बनना बाकी है इस स्टेशन पे। और बाकी गाड़ियों का पार्किंग के लिए एक अच्छा रोड बनाया गया, आगे में अंडर पास भी दिया गया, फ्यूचर के देखते हुए हर चीज़ इसमें वो चीज़ें इन्वॉल्व की गई है जो 20-30 साल के लिए ज़रूरतमंद चीज़ें हैं। इससे पहले जब अपडेट देने आया था तो ये वाला सब ढाला हुआ नहीं था, लेकिन अब ढाल दिया गया है पूरे अच्छे तरीके से, देखिए आपके सामने है, ढाल करके कंप्लीट है और पूरी तरीके से ये कंक्रीट किया हुआ है। सामने फिर पटना है सीधे, और ये मेन, तो अभी भी यहाँ पे टिकट काउंटर प्रॉपर नहीं है, यहाँ कहीं से टिकट कट के आती है। ये वेटिंग हॉल है जो देख सकते हैं आप, बारिश के दिनों में आपको राहत देगी और ठंड के भी दिनों में। और ये कुछ बाहर का लुक है, फिर से मैं दिखा दूँ, देखिए कुछ ऐसा है। और बारिश के दिनों में भी काफ़ी आरामदायक ये स्टेशन जो बनकर रेडी हो चुका है। फिर मैं इसका कंटिन्यू टाइम टू टाइम अपडेट देता रहूँगा, करता रहूँगा। लोगों की भीड़ देखिए, अच्छी खासी लोगों की भीड़ है यहाँ पर।